महात्मा गांधी से पहले देश में एक ऐसे महान समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होंने जाति पाति, छुआछूत, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और किसानों की स्थिति सुधारने और समाज में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का उल्लेखनीय काम किया। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वासी परंपराओं और नवीन विचारों के द्वंद में उलझा हुआ था। ऐसी ही विषमता भरे परिवेश में महाराष्ट्र की धरती पर गोविंद राव के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया ज्योति राव। उनका पूरा नाम ज्योति राव गोविंद राव फुले था। वैसे उनका असल नाम ज्योति राव गोविंद राव फुले था, लेकिन ज्योतिबा फुले के नाम से वे मशहूर हुए। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भारत में शताब्दियों से रही है। इस लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग में सार्थक, सशक्त और काफी हद तक सफल आंदोलन चलाने का श्रेय ज्योतिबा फुले को ही जाता है। महात्मा फुले भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुआ हैं। अपने विचारों और कार्यों की बदौलत उन्होंने पिछड़े वंचित समाज को वर्ण व्यवस्था के भेदभावकारी और शोषणकारी चंगुल से आजादी के लिए निर्णायक संघर्ष का नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका और अपनी पत्नी सावित्री भाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं की मुक्ति के लिए भी प्रयास किया। देश में समाज सुधार आंदोलन पर उनके प्रभावों को इस बात से समझा जा सकता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा फुले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में माली परिवार में हुआ था। वे एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर पिछड़ी जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए काम किया। इस काम में उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी पूरा योगदान दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किए। महात्मा फुले का बचपन कठिनाइयों में बीता। महज 9 माह के थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। उनका लालन पालन सगुणाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुणाबाई ने ही उन्हें मां की ममता और दुलार दिया। 7 साल की आयु में ज्योतिबा फुले को गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। आर्थिक तंगी के कारण खेतों में पिता का हाथ बटाने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुणाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू काम के बाद जो समय बचता उसमें वो किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा फुले पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते। लोग उनकी तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। पड़ोसियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके कहने पर उनके पिता ने उन्हें स्कॉटिश मिशन्स हाई स्कूल में दाखिला करा दिया। सन 1840 में ज्योतिबा फुले का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था। ज्योतिबा फुले के काम में उनकी पत्नी ने बराबर का योगदान दिया। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के दाम्पत्य की तरह ज्योतिबा और सावित्री का दाम्पत्य भी बहुत ही मोहक और अनुकरणीय है। उसमें कहीं भी प्रतिक्रियावाद और अंध नकारवाद की जगह नहीं है। ज्योतिबा फुले से महात्मा ज्योतिबा फुले बनने की उनकी यात्रा काफी रोचक और कुछ कुछ महात्मा गांधी के संघर्ष और अनुभव से मिलती जुलती है। जिस प्रकार महात्मा गांधी अफ्रीका में रंगभेद के शिकार हुए और बाद में उन्होंने इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया और बाद में उस प्रण को पूरा भी किया, ठीक उसी प्रकार महात्मा फुले जाति आधारित भेदभाव का दंश झेलने के बाद उसके समापन के लिए लड़ते रहे।
1848 में वो अपने एक मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए गए थे। विवाह समारोह के दौरान दूल्हे के रिश्तेदारों ने पिछड़ी जाति का होने के कारण उनका काफी अपमान किया। इसके बाद ज्योतिराव ने जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इसकी शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ करेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति और भी खराब थी। उनका मानना था कि जब तक समाज में स्त्रियों नीची जाति के लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक जाति प्रथा जैसी कुरीतियों का समाधान संभव नहीं है। उनका मानना था कि जब तक समाज में स्त्रियों और पिछड़ी जाति वालों का उत्थान नहीं होगा, तब तक समाज का चहुमुखी विकास संभव नहीं है। थॉमस पैन की किताब राइट्स ऑफ मैन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। थॉमस पैन की पुस्तक से प्रभावित होकर खुले सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित करते हैं और भारतीय जाति व्यवस्था के कटु आलोचक बन जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं और पिछड़ी जातियों की सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। ज्योतिबा फुले को एहसास हो गया था कि ईश्वर के सामने स्त्री पुरुष दोनों का अस्तित्व बराबर है, फिर दोनों में भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं है। उस समय लड़कियों और महिलाओं की दशा अत्यंत शोचनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की भी अनुमति नहीं थी। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं के एक न्याय संगत और एक समाज बनाने के लिए 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन खुद ये काम कर अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उनकी पत्नी सावित्री बाई वहां अध्यापन का काम करती, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक उच्च अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना भी फैलाते रहे। 1851 में इन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति, धर्म और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। लोगों ने प्रारंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन महात्मा फुले आगे बढ़ते ही गए। सावित्रीबाई फुले स्वयं इस स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थीं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए दो और स्कूल खोले और एक स्कूल पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए खोला। ज्योतिबा फुले का मानना था कि समाज में बदलाव लाने के काम की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। उस समय ऐसा करने की हिम्मत करने वाले वे देश के पहले समाज सुधारक थे। आजीवन वे आस्तिक बने रहे, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया। 24 सितंबर 1873 को दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। वे खुद इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त कराना था। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था को ठुकरा दिया। इस संस्था ने समाज में तर्क संगत विचारों को फैलाया और शैक्षणिक और धार्मिक नेताओं के रूप में उच्च वर्ग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सत्यशोधक समाज पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन था। राजनीतिक सवालों पर बोलना उसमें सख्त मना था। ये महात्मा फुले का जनता पर प्रभाव और अनूठी कार्यशैली थी कि सत्यशोधक समाज को पांव जमाने में देर न लगी। स्थापना के कुछ ही महीनों में मुंबई और पुणे के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी शाखाएं स्थापित होने लगीं। कोल्हापुर के शासक शाहू महाराज ने इस संस्था को भरपूर वित्तीय और नैतिक समर्थन दिया। सत्यशोधक समाज की मान्यताएं थी, भक्त और भगवान के बीच किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं। बिचौलियों की तरफ से लादी गई धार्मिक दास्ता को नष्ट करना और सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को शिक्षा उपलब्ध कराना। सत्यशोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य थे पुरोहित, सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना,
पिछड़ों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए उनमें एकजुटता का भाव पैदा करना, धार्मिक और जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, पढ़े लिखे पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, कुल मिलाकर यह सामाजिक परिवर्तन के घोषणा पत्र को लागू करने का कार्यक्रम था। पिछड़ी जातियों को ज्योतिबा फुले पर भरोसा था। इसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके काम थे। इसीलिए सत्यशोधक समाज को उन्होंने हाथों हाथ लिया। कुछ ही सालों में उसकी शाखाएं मुंबई और पुणे के शहरी, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने लगी। एक दशक के भीतर वो संपूर्ण महाराष्ट्र में पैठ जमा चुका था। समाज की सदस्यता सभी के लिए खुली थी। अति पिछड़ी जातियां तेजी से उससे जुड़ने लगी। लोगों ने शादी ब्याह, नामकरण ऐसे अनेक अवसरों पर पुरोहितों को बुलाना छोड़ दिया। इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ। 1873 में प्रकाशित ये पुस्तक आज भी समाज में हो रहे भेदभाव पर खरी उतरती है। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसी क्रांतिकारी विचारक का आभारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल ने मुंबई में बराक ओबामा को ये पुस्तक भेंट स्वरूप दी और उन्हें इसका सार बताया। इससे ओबामा भी प्रभावित दिखे और भारत से अनमोल भेंट कहकर इस किताब को स्वीकार किया। महात्मा फुले ने समाज के लिए काम करते हुए अनेक पुस्तकें लिखी। ये सभी पुस्तकें उनके कार्य को गति प्रदान करती हैं। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी के अलावा तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत जैसी कई पुस्तकें लिखी। ज्योतिबा ने किसानों, श्रमिकों और अन्य सर्वहारा वर्ग की दबी आवाज को उभारने के मकसद से जनवरी 1877 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन शुरू किया। उस समाचार पत्र का नाम दीन बंधु था। उन्होंने किसानों और श्रमिकों की संतोषजनक स्थिति और उनकी उपयुक्त मांगों के लिए उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित, शिक्षित और संगठित किया। सत्यशोधक समाज के आंदोलन में इसके मुखपत्र दीन बंधु प्रकाशन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योतिबा के प्रयासों से उन दिनों किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा और सत्यशोधक समाज के प्रचार के लिए अम्बाल हरि, दीन मित्र, किसानों का हिमायती नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। 1882 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमीशन भेजा। हंटर कमीशन के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। ये आयोग भारत में शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए गठित किया गया था। ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के समक्ष लिखित रूप में अपना वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने कई अहम विषयों पर विशेष रूप से जोर दिया, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था, गणित, इतिहास, भूगोल, व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान, कृषि संबंधी हर तरह का ज्ञान और सामान्य ज्ञान, नीति और आरोग्य को शामिल करना था। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। वे ऐसी महिलाओं से बहुत सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई हों या किसी वजह से परेशान हों। इसीलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे थे जहां उनकी देखभाल हो सके। इसके साथ ही विधवाओं की शोचनीय दशा को देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी शुरुआत की और 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी बनाया। पति के गुजर जाने पर विधवा हुई महिलाओं का मुंडन कर दिया जाता था। इस अपमानजनक प्रथा के खिलाफ उन्होंने एक ऐसे आश्रम की स्थापना की जिसमें सभी जातियों की विधवाएं सम्मान के साथ रह सकती थीं। उन नवजात शिशु कन्याओं के लिए भी एक घर बनाया जो अवैध संबंधों से पैदा हुई थी और जिन्हें सड़क या कूड़े पर फेंक दिया जाता था। साथ ही उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए भी आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या को रोका जा सके। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें
महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। महात्मा फुले ने पिछड़ों पर लगे अछूत के लांछन को धोने और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए भी प्रयास किया। इसी दिशा में उन्होंने दलितों को अपने घर के कुएं का प्रयोग करने की अनुमति दी। पिछड़ी जातियों और महिलाओं में अंधविश्वास के कारण पैदा हुई आर्थिक और सामाजिक विकलांगता को दूर करने के लिए भी उन्होंने आंदोलन चलाया। उनका मानना था कि अगर आजादी, समानता, मानवता, आर्थिक न्याय, शोषण रहित मूल्यों और भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है तो असमान और शोषक समाज को उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने विधवाओं और महिला कल्याण के लिए काफी काम किया था। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। ज्योतिबा फुले ये जानते थे कि देश और समाज की वास्तविक तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीय नव युवकों का आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों और अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा और कोई नहीं। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले ने आजीवन सामाजिक सुधार के लिए काम किया। मानव मानव के बीच का भेद उन्हें असहनीय लगता था। ज्योतिबा फुले की संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान हैं, तो उनमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने अपने काम से अनेक लोगों को प्रभावित किया। ये प्रभाव उनकी मृत्यु पर्यंत भी बना रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उनसे काफी प्रभावित हुए और महात्मा की राह पर चलते हुए उन्होंने पिछड़ों के उत्थान के लिए कई काम किए जिनका प्रत्यक्ष परिणाम आज देखा जा सकता है। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के एक बड़े समाज सुधारक, सक्रिय प्रतिभागी और विचारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन और भेदभाव की मुखालफत की। ज्योतिराव अपना संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाते थे, इसका एक रोचक किस्सा रोजलिंड ओ हेनलान ने अपनी पुस्तक में लिखा है। एक बार महात्मा फुले अपने मित्र ज्ञानोबा सासने के साथ पुणे के बाहर स्थित एक बागीचे के भ्रमण के लिए गए। वहां एक कुआं था जिससे उस बगीचे की सिंचाई होती थी। जैसे ही दोपहर का अवकाश हुआ, सभी मजदूर खाना खाने बैठ गए। ये देख वो कुएं तक पहुंचे और कुएं के डोल को चलाने लगे। काम करते करते उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। मजदूर उन्हें देखकर हंसने लगे। फुले ने उन्हें समझाया, इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं है। मजदूर लोग काम करते हुए अक्सर गाते बजाते हैं। केवल मेहनत से जी चुराने वाले लोग ही फुर्सत के समय वाद्य यंत्रों का शौक फरमाते हैं। असली मेहनतकश जैसा काम करता है, वैसा ही अपना संगीत भी गढ़ लेता है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी करीबियों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कामों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूँ। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले ने नश्वर शरीर त्याग दिया और इस तरह एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। उनके देहांत के बाद सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज की बागडोर संभाली। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने सत्यशोधक समाज को दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया। ज्योतिबा फुले ही अपने समय के ऐसे समाजशास्त्री और मानवतावादी थे जिन्होंने ऐसे साहसिक विचार पेश किए। महात्मा फुले ऐसी सामाजिक व्यवस्था के आमूल चूल परिवर्तन के पक्षधर थे जिसमें शोषण करने के लिए कुछ लोगों को जानबूझकर दूसरों पर निर्भर, अनपढ़, अज्ञानी और गरीब बना दिया जाता है। उनके मुताबिक
व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए अंधविश्वास उन्मूलन एक हिस्सा है। परामर्श, शिक्षा और रहने के वैकल्पिक तरीकों के साथ साथ शोषण के आर्थिक ढांचे को समाप्त करना भी बेहद जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र में स्त्री, दलित, शोषित, किसान और श्रमिकों की जैसे जैसे उन्नति होगी, वैसे वैसे महात्मा फुले का व्यक्तित्व अधिकाधिक उभर कर सामने आएगा। महाराष्ट्र के किसान परिवार में जन्मे महात्मा फुले देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे। गांधी जी उन्हें सच्चा महात्मा कहते थे और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। बाबा साहब अम्बेडकर उनके सामाजिक दर्शन से प्रभावित ही नहीं थे, बल्कि उन्हें भगवान बुद्ध और कबीर गुरुओं के साथ अपना तीसरा गुरु मानते थे। आज भी लोग ज्योतिबा के कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं। सत्यशोधक समाज के माध्यम से फुले ने पिछड़ों को अपने विकास और मान प्रतिष्ठा अर्जित करने का जो रास्ता करीब सालों पहले दिखाया था, सामाजिक न्याय के लिए वो आज भी उतना ही जरूरी और प्रासंगिक है। भले ही इस महान विचारक ज्योतिबा फुले को गए 100 साल से अधिक समय बीत गया हो, मगर उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और राष्ट्र और जीवन को प्रभावित करते हैं।